आप ही करना चाहते हैं टाइपिंग, लेकिन हमारे पास पीसी या लैपटॉप नहीं, तो हमें एंड्रॉइड मोबाइल में कैसे टाइपिंग कर सकते हो? तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जो आपको प्रैक्टिस लिए आपको टाइपिंग करना है, तो वहां से आपको जो पीसी का कीबोर्ड आता है, तो इस कीबोर्ड आपको एंड्रॉइड मोबाइल में कनेक्ट करके आप भी टाइपिंग कर सकते हो। वहां से आपको प्रैक्टिस भी करना है, तो वहां से आप भी आसान तरीके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वहां आप देख सकते हैं कि हमारा एक कीबोर्ड है और एक एंड्रॉइड मोबाइल है और एक हमारा ओटीजी है। तो वहां से आपको जो यूएसबी का केबल है कीबोर्ड का, इस केबल वहां से आपको ओटीजी में लगा देना है और ओटीजी को वहां से आपको मोबाइल में लगा देना है। तो चलिए वहां से मैं लगा के आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिए। तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां हमने यूएसबी का केबल ओटीजी में लगा दिया है और लगाने के बाद वहां से आपको ओटीजी मोबाइल में लगा देना है। तो चलिए वहां से मैं मोबाइल में लगा के आपको बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां हमने मोबाइल में लगा दिया और लगाने के बाद चलिए वहां से मैं कीबोर्ड को ऑन करके आपको बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारा कीबोर्ड में ऑन नहीं हुआ है। तो चलिए वहां से मैं नंबर लॉक लाइट आपको ऑन करके बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ भी लाइट वहां कीबोर्ड में अभी तक नहीं आया है, क्योंकि वहां से आपको मोबाइल में सेटिंग करना पड़ेगा, वहां से आपको ओटीजी कनेक्शन ऑन करना है। तो चलिए वहां से मैं सेटिंग करके आपको बता देता हूँ। तो वहां से आपको जाना है मोबाइल में, और मोबाइल में जाने के बाद वहां से आपको जाना है सेटिंग में। तो चलिए वहां से मैं सेटिंग में जाता हूँ, और सेटिंग में जाने के बाद वहां से आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो चलिए वहां आप देख सकते हैं कि हमारा एडिशनल सेटिंग आ गया है, उसमें आपको जाना है ओटीजी कनेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए वहां से आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको आना है बैक, बैक आने के बाद चलिए वहां से मैं नंबर लॉक लाइट आपको ऑन करके बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि हमारा कीबोर्ड ऑन हो गया है। तो चलिए वहां से मैं कैप्स लॉक लाइट ऑन करके आपको बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि हमारा कैप्स लॉक लाइट भी ऑन हो गया है। तो वैसे आपको कीबोर्ड से जो मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां हमारा कनेक्ट भी हो गए। जब भी आपको टाइपिंग करना है तो वहां से आप टाइपिंग कर सकते हो। तो चलिए वहां से मैं कीबोर्ड से आपको टाइपिंग करके बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां हमारा मोबाइल में जो हमें कीबोर्ड में काम कर रहा है, तो वहां हमारा मोबाइल में भी हो रहा है। तो वहां से आपको एक ऑन कर देना है नोट, जो भी आपको नोट में जो टाइप करते है, तो वहां से आपको नोट ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद वहां से आपको कई सारे प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन नोट का मिल जाएंगे, तो वहां से आपको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वहां से हमने नोट ओपन कर दिया, और वहां से आपको जो नोट पैड जैसा हमारा नोट मोबाइल में आता है, इस वहां से आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद वहां से आपको टाइप करना है। तो चलिए वहां से मैं टाइप करके आपको बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां हमारा मोबाइल में टाइप हो रहा है कीबोर्ड से। तो वहां आप देख सकते हैं, चलिए वहां से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए वहां से आपको समझा रहा हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं जो भी आपको टाइप करना है, तो वहां से आपको टाइप कर सकते हो। जो भी आपको पैराग्राफ टाइप करना है, तो वहां से आप टाइप कर सकते हो। तो चलिए वहां से मैं टाइप करके आपको बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि हमारा कीबोर्ड से मोबाइल में टाइप हो रहा है। तो वैसे आपको टाइप करना है, तो वहां से आप टाइप कर सकते हो। जो भी आपको नंबर को टाइप करना है, तो वहां से आप नंबर पे टाइप कर सकते हो। तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां हमारा नंबर भी टाइप हो रहा है। तो वैसे आपको टाइप करना है, तो वहां से आपको टाइप कर सकते हो। लेकिन आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, तो वैसे आपको कीबोर्ड से वहां से आपको मोबाइल में कनेक्ट करके वहां से आप टाइप कर सकते हो। जो भी आपको पैराग्राफ टाइप करना है, तो वहां से भी पैराग्राफ पे टाइप कर सकते हो। लेकिन आपको स्पीड बढ़ाना है, तो वहां से आपको प्रैक्टिस करके वहां से आपको कीबोर्ड से स्पीड पे बढ़ा सकते हो। तो वहां से आपको आसान तरीके वहां से आप काम कर सकते हो। तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां हमारा कीबोर्ड से मोबाइल में टाइप हो रहा है। तो वैसे आपको जो भी पैराग्राफ टाइप करना है, तो वहां से आप टाइप कर सकते हो। तो चलिए वहां से हमारे जो इस फाइल हमें को सेव करना है, तो वहां से आप सेव भी कर सकते हो। तो चलिए वहां से मैं सेव करके आपको बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां हमारे टाइप हो रहा है। तो वैसे आपको टाइप करना है, और टाइप करने के बाद जो भी आपको फाइल को सेव करना है, तो वहां से आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एस करके वहां से आप सेव कर सकते हो। तो चलिए वहां से मैं सेव करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां हमने जो टाइप किया, इस वक्त टाइप को हमें जो फाइल को सेव करना है, तो आपको करना है कीबोर्ड से कंट्रोल एस। तो चलिए वहां से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि हमने कीबोर्ड से कंट्रोल एस कर दिया, और एस करने के बाद वहां से आपको लोकेशन वहां से आपको पता करना है, कई जगह पर आपको सेव करना है। तो आपको कीबोर्ड से टैब की को प्रेस कर देना है। तो चलिए वहां से मैं डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो वहां से आपको डॉक्यूमेंट में जाना है, और चलिए वहां से आपको एंटर प्रेस कर देना है। फिर से आपको टैब की को प्रेस कर देना है, तो चलिए वहां से मैं कीबोर्ड से टैब की को प्रेस कर देता हूँ, और वहां से आपको आ जाना है ओके पे। तो चलिए वहां से मैं ओके पे आके आपको सेव करके बता देता हूँ। तो वहां हमने ओके पे आके आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो चलिए वहां से मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां हमारा कीबोर्ड से फाइल हमने सेव मोबाइल में कर लिया है। तो आपको आना है बैक, तो वहां से आपको एस्केप पे बैक आ सकते हो। तो चलिए वहां मैंने एस्केप कर दिया। तो वहां आप देख सकते हैं जो भी आपको कीबोर्ड से टाइप करना है, वहां से आपको प्रैक्टिस पे करना है,
तो वहां से आप भी आसान तरीके वहां से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो वैसे आपको मोबाइल से कीबोर्ड कनेक्ट करके वहां से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको टाइपिंग भी करना है तो वहां से आप भी टाइपिंग भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक।